लोग सत्संग के रूप में कुछ चर्चा करेंगे ज्ञान की विज्ञान की। और कल तय किया गया था कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव स्वरूप इस पर चिंतन करेंगे और इसके साथ साथ जीव का भी चिंतन हो जाएगा। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश के अंदर सातवें समुलास में एक प्रश्न उठा करके उत्तर देते हुए ये इन पर प्रकाश डाला। प्रश्न है, जीव और ईश्वर का स्वरूप गुण कर्म और स्वभाव कैसा है? उत्तर, पहले ऋषि के शब्दों को हम सुन लेते फिर इस पर विश्लेषण करेंगे। उत्तर क्रमशः दे रहे हैं, दोनों चेतन स्वरूप है, जीव भी और ईश्वर भी, दोनों का स्वरूप चेतन है। चेतन की परिभाषा इसी के अंतर्गत स्वमंतव्या मंतव्य में देते हैं, जो ज्ञान आदि गुण से युक्त है उसको चेतन कहते हैं। स्वभाव, दोनों का पवित्र अविनाशी और धार्मिकता आदि है। ईश्वर का भी स्वभाव और जीव का भी स्वभाव, दोनों का स्वभाव एक समान है, दोनों पवित्र है, अविनाशी जो कभी खत्म नहीं होता और धार्मिकता आदि है। अब यहां पर प्रश्न उठेगा कि जीव तो यदि स्वभाव से अविनाशी है ये तो समझ में आता है, पवित्र है और धार्मिकता आदि है तो अधार्मिक क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर हम आगे देंगे। स्वभाव से मतलब इसका जो जीव का जो अपना स्वभाव है वो धार्मिकता है, धार्मिक है, हम उसको अधार्मिक बना देते हैं, परिवेश से अधार्मिक बनता है, जैसे वातावरण में पलता पोसता है वो उसी प्रकार का वो रूप को धारण कर लेता है और वो शुद्ध है पवित्र है। जीव का अपना ये स्वरूप है, तो दोनों का स्वरूप और स्वभाव एक समान है, दोनों चेतन है, दोनों अविनाशी है, शुद्ध है पवित्र है धार्मिकता आदि है। कर्म दोनों के अलग है, गुण अलग है। अब कर्म के बारे में ईश्वर के कार्य क्या है, तो वैसे यहीं पर लिखते हैं कि ईश्वर के कर्मों का यदि विचार करेंगे तो कहते हैं न भूतो भविष्यति, उसके जैसा न अभी हुआ कर्म करने वाला न कभी होगा। तो ऐसा कौन सा कर्म है जो उसके न भूतो न भविष्यति? तो पांच छह कर्मों की यहाँ पर व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं कि जगत की अर्थात परमेश्वर के सृष्टि उत्पत्ति सृष्टिकर्ता स्थिति उसको स्थित करना धारण करना, सबको, सबको मतलब सभी जीवों को और जड़ चेतन को भी, उन सबको नियम में रखना, जीवों के पाप पुण्य के अनुसार फल देना इत्यादि धर्म युक्त कर्म है। ईश्वर के ये कर्म है, संसार का को बनाना, प्रलय करना, धारण करना, नियम में रखना और कर्मानुसार जीव को कर्म फल प्रदान करना, ये काम केवल ईश्वर ही कर सकता और कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे में सामर्थ्य नहीं है। और जीव, जीव के कर्म है संतानोत्पत्ति करना, उनका पालन पोषण करना, विविध प्रकार के शिल्प कला, ये सभी जीव के अच्छे और बुरे कर्म है। अच्छा कर्म करता है तो शुद्ध होता है, पवित्र होता है, धार्मिक होता है, और चूंकि वो स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता से कभी बुरा भी कर जाता है तो अधार्मिक हो जाता है। तो इसके दोनों हैं, ईश्वर के केवल धर्म युक्त कर्म हैं और
गुण ईश्वर का जो गुण है नित्य ज्ञान है, अनंत बल है, अनंत ज्ञान है, इत्यादि गुण ईश्वर के हैं। और जीव के बारे में इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख आत्मनो लिंगानी, ये 6 न्याय दर्शन में आत्मा के गुण बताए गए, चिन्ह बताए गए, इसी से जीव की प्रतीति होती है। वैशेषिक दर्शन में कुछ विशेष अलग कहा, प्राण अपान निमेश उन्मेष मन गति इंद्रियांतर विकार सुख दुखे इच्छा द्वेषौ प्रयत्नश्च आत्मनो लिंगानि, ये जीवात्मा के चिन्ह है, ये उसके गुण है। अब इस पर 14 गिनती में है, उसके बारे में बताते हैं। ऋषि के शब्द हैं, इच्छा पदार्थों की प्राप्ति की अभिलाषा, जो हमें प्राप्त नहीं है उसकी हम इच्छा करते हैं, ये जीव के होने से होता है, जीव का कार्य है। द्वेष दुख आदि की अनिच्छा, दुनिया में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं सुखी रहूं दुखी न रहूं। और प्रयत्न पुरुषार्थ करना, ये जीव का ये गुण है। सुख, सुख का मतलब आनंद, जो अच्छा लगता है अनुकूल लगता है उसको सुख कहते हैं। दुख अप्रसन्नता, जो हमें अच्छा नहीं लगता जिसको हम छोड़ना चाहते हैं। ज्ञान विवेक पहचानना, ये तुल्य दोनों में, ये मतलब वैशेषिक दर्शन में और न्याय दर्शन में ये 6 गुण तुल्य है, एक समान गुणों में इनको वर्णन किया है। किंतु वैशेषिक में कुछ ज़्यादा कहते हैं, और वो क्या है, प्राण, प्राण वायु को बाहर निकालना, अपान प्राण को अंदर लेना, बाहर से अंदर लेना, निमेश आँख का झपकना, उन्मेष आँख का खोलना, मन निश्चय स्मरण और अहंकार करना, गति चलना एक जगह से दूसरी जगह जाना, इंद्रियां, ये जो हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को चलाना, इंद्रियों से काम करना, ये जीव का ये कर्म है, या इसको गुण में भी ले सकते हैं। फिर कहते हैं अंतर विकार, भिन्न भिन्न जो शरीर के अंदर जो विकार पैदा होते, भूख का लगना प्यास का लगना, ये सभी जो अंतर विकार हैं, हमने आँख से किसी वस्तु को देखा और बढ़िया प्रिय वस्तु है तो जीभ से रस निकलने लग जाता है, ये अंतर विकार है, देखा आँख ने प्रतिक्रिया जीभ पर हो रही है, ये जीव के होने से होता है। हर्षित होना, शोक ग्रस्त होना, ये सुना देखा उससे अच्छा लगा तो हर्षित हो गए, अनुकूल नहीं रहा तो दुखी हो गए, ये सभी ये जीव के जीवात्मा का जो ये गुण है परमेश्वर से भिन्न है। और इसी भिन्नता के आधार पर जीव को और ईश्वर को पृथक पृथक जानते हैं। अब इसका खुलासा करते हुए ऋषि लिखते हैं कि इन्हीं से, जो ये 14 ऊपर गुण बताए गए, इन्हीं से आत्मा की प्रतीति होती है। आत्मा ईश्वर के लिए भी कहा जा रहा है, ईश्वर के जो ऊपर गुण और कर्म स्वभाव स्वरूप बताया गया, इन्हीं से इनकी प्रतीति होती है। और जो स्थूल है, क्योंकि आत्मा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, तो जो मोटे मोटे पदार्थ हैं उनको, स्थूल को तो हम सहजता से जान लेते हैं, उसकी प्रतीति हो जाती है, लेकिन जो स्थूल नहीं है उसकी प्रतीति कैसे हो? कई बार कहते हैं हम आँख से देखते नहीं, हम कैसे माने ईश्वर को, कैसे माने, दिखता तो है ही नहीं, प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। तो एक प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं, जीव के बारे में समझा रहे हैं, फिर
ईश्वर को समझिएगा। कह रहे हैं कि जब जीव शरीर में होता है तब ये गुण प्रकट होते हैं, और जब जीव शरीर में नहीं होता तो ये गुण प्रकट नहीं होते। मतलब कि जिसके होने से जो हो, ना होने से ना हो, वह उसी का माना जाता है। तो भूख प्यास क्षुधा आदि, आँख का झपकना, प्राण का आना जाना, सुख की दुख की अनुभूति होना, ये जीव जब शरीर में होता है तो जीव सहित जीवित शरीर में ये प्रत्यक्ष होते हैं और मृतक शरीर में प्रत्यक्ष नहीं होते। इन्हीं गुणों के प्रत्यक्ष से जीव का प्रत्यक्ष होता है, गुणों के आधार पर उसकी प्रतीति होती है। और सृष्टि में जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करना, कोई राजा के यहाँ, कोई भिखारी के यहाँ, कोई पशु योनि में, कोई कीड़े मकोड़ी की योनि में, ये जो विविध प्रकार की योनि में जो जीव का जाना हुआ, अपने आप तो नहीं है और ये दिखता है, तो इसके प्रत्यक्ष से सब जीवों को कर्मानुसार फल प्रदान करना, इसके प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। इतना बड़ा संसार बनाना, ब्रह्मांड, ये किसी जीव में सामर्थ्य नहीं, अन्य में नहीं है। इस ब्रह्मांड की प्रतीति से ईश्वर की प्रतीति होती है, प्रत्यक्ष होता है। इसी प्रकार से ईश्वर के कर्म, ईश्वर के गुण से उसका प्रत्यक्ष, और जीव के गुण कर्म स्वभाव स्वरूप से जीव का प्रत्यक्ष होता है। और अंत में उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जब दीप, दीपक हम कह सकते हैं लाइट, या सूर्य जब होता है तो सूर्य के होने से प्रकाश, और प्रकाश के अंदर वस्तुओं की प्रतीति होती है। सूर्य ना हो या ये लाइट ना हो तो प्रकाश नहीं होगा। तो हम प्रकाश को देख करके प्रकाशक का ज्ञान कर लेते हैं। और इसी प्रकार से गुणों से, कर्मों से, स्वभावों से, स्वरूपों से, इनके होने से ईश्वर और जीव की प्रतीति होती है, न होने से प्रतीति नहीं होगी। और अंत में कहते हैं जीव और परमात्मा का विज्ञान गुणों द्वारा होता है, ये ऋषि के सत्यार्थ प्रकाश में ये लिखे हुए वाक्य है। अब इस पर थोड़ा थोड़ा विश्लेषण करते हैं। गुणों द्वारा ईश्वर का विज्ञान, अब यहां पर एक बात समझनी है कि एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है। सामान्य ज्ञान, सामान्य चीजों का, किसी भी वस्तु के बारे में सामान्य ज्ञान होता है तो उसको सामान्य बोध कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। वही जब हम प्रत्यक्ष करने लग जाते हैं, प्रत्यक्ष हो जाए तो उसको, उस बोध को विज्ञान कहते हैं। शब्दों के आधार पर सामान्य रूप से ज्ञान, और प्रत्यक्ष जब हम कर लेते हैं तो उसको, विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ईश्वर के बारे में और जीव के बारे में कहा कि दोनों का स्वभाव स्वरूप है, दोनों का स्वरूप और स्वभाव समान है। अब इसका उपदेश व्यवहारिक रूप से कहां होता है? गृहस्थ जीवन में हम ले चलते हैं आपको, संस्कारों में। इन सब का उपदेश कैसे आप गृहस्थी लोग करते हैं? जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, पैदा होते ही एक संस्कार होता है जिसका नाम है जातकर्म। जातकर्म में क्रिया क्या होती है? सबसे पहले उसके कान में उसका गुप्त नाम बोला जाता है, क्या बोलते हैं?
वेदो अशि, और वेद का मतलब होता है विदलिरी, ज्ञाने ज्ञान है, और ज्ञान आदि गुण का ही नाम चेतन है। तो वो जन्मते कान में गुप्त नाम चेतन, जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप का उपदेश पिता जन्मते करता है। फिर जीभ पर सोने की सलाका से घृत और शहद मिला के ओम लिखता है, आस्तिकता का भाव। तो ओम का उपदेश जीव पर लिख करके, और वेदोवशी चेतन स्वरूप है इसका उपदेश कर देते हैं। फिर 11वें दिन या 101वें दिन दूसरा संस्कार होता है, तो वहां स्वभाव का उपदेश होता है, क्रिया की जाती है। जब नाम धरते हैं तो आचार्य जी नाम धराते हैं तो सामान्य होम करने के बाद में प्राण वायु का स्पर्श करते हुए वहां पर एक मंत्र बोला जाता है, को अशि कतमो अशि कस्यासि को नामासि अमृतो अशि आहस्पत्यम प्रविश असौ के स्थान पर फिर नाम बोल देते हैं। अमृतो अशि वहां कहा जाता है, पहले कहा था तू चेतन है, यहां कहा जा रहा अमृतो अशि अर्थात अविनाशी, तुम कभी खत्म न होने वाले हैं। जिसका मैं नाम धरने जा रहा हूं, यह शरीर है जो जन्म लिया है, और ये अविनाशी नहीं है, विनाशी है, लेकिन इसके अंदर शरीर को धारण करने हारा जो शरीरधारी है वो अमृत है और धार्मिक है, शुद्ध है, पवित्र है। यही उपदेश मार्कंड्य पुराण में आता है, मदालसा का नाम आपने सुना होगा, उसने यही उपदेश किया था, शुद्धो वशि बुद्धो वशि निरंजनो वशि माया जाल परिवर्जितो वशि। अविनाशी का, शुद्ध का, पवित्र का उपदेश किया था मार्कंडेय पुराण में 18वें अध्याय से लगभग 32वें अध्याय तक। ये मदालसा का बहुत सुंदर कहानी है, कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। नाम से कुछ नहीं होता, ये भी उसने बताया, किसी का नाम लक्ष्मीपति रख दे, रखे हुए मिलेंगे गरीब, अमृतलाल, अजीब अजीब नाम होते लेकिन उसके अनुसार नहीं होते। तो जो जब मदालसा को पहला पुत्र हुआ, तो हमारे यहाँ क्या होता है, जब नामकरण संस्कार होता है तो पीछे से बच्चे को लाते हैं, पिता के गोद में समर्पित करते हैं, पिता फिर माता का सम्मान करते हुए कि इसके लिए अभी तुम्हारी आवश्यकता है, तुम जानो, और मातृमान 5 वर्ष तक माता और सम्मान पूर्वक अर्पित कर देते हैं। तो राजा था, उसने सोचा कि मैं ही सब कुछ हूँ, माँ का सम्मान नहीं किया और उसका नाम किसी का सुबाहु रखा, किसी का शत्रुजीत रखा, 3 बच्चों का नाम क्षत्रिय परक रख दिया। मदालसा गुरुकुल की पढ़ी हुई विदुषी थी और आचार्य की बेटी थी, तो उसने सोचा कि इनको माता का स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इन्होंने नाम तो रख लिया लेकिन बनाना तो मेरे हाथ में है। तो उन सबको यही शुद्धो अशि बुद्धो अशि निरंजनो अशि माया जाल परिवर्जितो अशि, और सबको विरक्त कर दिया। जब 4वां पुत्र हुआ तो राजा अब मान करते हुए, सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर कहता है, एक को तो यहाँ के लिए उत्तराधिकारी बनाओ। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब की बार जब संस्कार होगा तो बताना क्या बनाना है, वो मैं बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि राजा बनाना है, तो नाम धरना धरने का प्रकरण आया, तो उसने एक निरर्थक नाम रख दिया, अलर्क। क्या अर्थ करे, कुछ नहीं, नाम तो पहले रखे थे,
अब मैं नाम इसका अलर्क, जिसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन हम सार्थक इसको जैसा चाहते हैं वैसा बना देंगे। तो वो राजा बन गया। जब मदालसा और उसके पति संन्यास लेकर के जाने लगे तो मदालसा ने एक गुप्त पत्र दिया कि बेटा, जब तुम्हें परेशानी हो, कोई उपाय न सूझे, तो उस समय इस पत्र को पढ़ लेना, समाधान मिलेगा। तो वो बहुत अच्छी प्रकार से राज की व्यवस्था कर रहा था। एक बार पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया तो ये लड़ना नहीं चाहता था, तो बहुत परेशान हुआ कि लड़ाई करेंगे तो अपनी हानि होगी, अपने जनमाल की हानि होगी, हमारे लोग उसके मारेंगे, तो मार करके हम राज्य को करके क्या फायदा। तो उसने जो आक्रमण किया था उस राजा को बुलाया, करें तुम क्या चाहते हो, शासन करना चाहते हो, धर्मानुसार करना चाहते हो, तो लो संभालो। और ये जो बातें उसने समर्पित किया, वो परेशान होने से पूर्व उसने वही पत्र पढ़ लिया था माता का, कि शुद्धो असि, बुद्धो असि, निरंजनो असि, माया जाल विवर्जितो असि। बस करिए, संसार ये क्षणिक है, इस क्षणिक सुख के लिए हम क्यों जनमाल की हानि करें, हत्या करें। और उस राजा को बुलाकर उसने कहा कि तुम संभालो। वो राजा बहुत प्रभावित हुआ, करें कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, करने की अब मुझे राजा नहीं बनना। और कितना ही मना करते रहे, वो विरक्त होकर के चला गया। महानुभावों, ये संस्कार माता पिता के द्वारा बालक के अंदर निर्माण करते हुए दिया जाता है। आपने महाराज विक्रम का नाम सुना होगा, कल विक्रम संवत का पहला दिन होगा, जिनके नाम से चलता, बहुत प्रतापी राजा थे। उनके साथ भी घटना घटी। परिवार में दो भाई थे, भर्तृहरि बड़े भाई थे, ये छोटा था। और भर्तृहरि बहुत बढ़िया नीतिमान थे, राज्य का कार्य बढ़िया कर रहे थे। तो उन्होंने उस समय नीति शतक लिखा, 100 नीति पर श्लोक बनाए। पत्नी पिंगला थी, बहुत सुंदरी थी, बहुत प्रेम करते थे। तो श्रृंगार पर पत्नी की व्याख्या करते हुए स्त्री पर 100 श्लोक लिखे, उसका नाम रखा श्रृंगार शतक। और बीच में घटना घट गई, उसका किसी और के साथ संबंध था। विक्रम को पता चला, उसने भर्तृहरि को बताया, तो भर्तृहरि मानने को तैयार, क्योंकि बहुत प्रेम करता था। और धमका करके विक्रम को घर से निकाल दिया। तो वो चला गया जंगल के अंदर, एक गुरुजी थे वहां पर, वो योगाभ्यास करने लगा। जब उसके राज्य में किसी व्यक्ति ने प्रसन्न होकर के राजा को कोई अति उत्तम अमृत फल करके दिया कि राजा बहुत अच्छे हैं, इसका ये सेवन करेंगे तो ये बहुत दिन तक जिएंगे और बढ़िया राज करेंगे, तो राजा ने उसको ले लिया। अब वो अपने से ज़्यादा प्रेम करते थे, पत्नी से, वो चाहते मैं खाकर अमर होकर क्या, हमारी पत्नी अमर रहे, पत्नी को दे दिया। पत्नी ने ले लिया, वो जिससे वो प्रेम करती थी उसने जाकर के उसको दे दिया। दुर्भाग्य से वो जो पुरुष था वो इसको, पिंगला को नहीं चाहता था, वो किसी और को चाहता था, वेश्या को। वो अमृत फल जाकर उस वेश्या को दे दिया, वेश्या ने ले लिया। और संयोग की बात, वो वेश्या उस पुरुष को नहीं चाहती थी, वो राजा को अंदर अंदर चाहती थी। वो फल को लेकर के फिर राजा के पास पहुंच गई। राजा ने सोचा ये फल तो मैंने पत्नी को दिया था, पूरी कहानी का उसको परिज्ञान हो गया, तो उसको विरक्ति हो गई, वैराग्य हो गया। और विरक्त होकर के बहुत दुखी हुआ, उसी समय उसने वैराग शतक, वैराग पर 100 श्लोक बनाए।
विक्रम को ढूंढवाया और उसको फिर से बुला करके कहा कि तुम हम पर कृपा करो, मेरे से गलती हुई और अब ये सब सच्चाई आ गई है, अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रहूँगा, आगे राजकार्य तुम करो। अब बड़े भाई थे, जैसा कहा निकाल दिया तो निकल गए, बुला लिया तो आ गए, राज करने लगे। तो विक्रम के शासन काल में एक और घटना घटी। वो घटना क्या घटी कि जो उनके गुरुजी थे योगी, उनके यहां एक बहुत बड़ा विद्वान सत्संग में पहुंचा, प्रवचन चला, लोग बड़े सुने, लेकिन विद्वान का मन नहीं लग रहा था, चंचल था। तो सब चले गए तो विद्वान को बुलाया कि बात क्या है, तुम्हें अच्छी क्यों नहीं लग रही थी? तो उसने कहा कि जानता मैं भी हूं, लेकिन अर्थ का मारा हुआ हूं, मेरे पास धन नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही, पत्नी बच्चे का ढंग से पालन पोषण नहीं कर रहा, इसलिए दुखी हूं और ज्ञान मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें कितना धन चाहिए? तो उसने सोचा कि इनके भाई पता नहीं है या नहीं है, हो भी न भी हो, तो उसने नपे तुल्य शब्दों में बीच की बात कही कि जितना मिल जाए। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें लाख दो लाख पांच लाख चाहिए तो बताओ। तो उसने कहा कि जितना मिल जाए। करे कि तुम्हें यदि राजा बनने की भी इच्छा हो, चक्रवर्ती राज्य करने की इच्छा हो, तब भी बोलो। तो वो सोचे कि अब तो जरूर मजाक कर रहे हैं कि राजा बना रहे हैं, लेकिन उसने क्या पता उसने वही बात बोल दिया कि जितना मिल जाए। अब इससे ज्यादा चक्रवर्ती राज से भौतिक सुख नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा रुको, अंदर गए, एक पत्र लिखा, प्रिय विक्रम तुम हमारे पास इतने दिन तक रुके, योग की विद्या हमने सिखाई, अंतिम समाधि की कुछ विद्या रह गई थी, भाई के बुलाने पर तुम छोड़ करके चले गए, मेरे शरीर का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहता हूं उस विद्या को पूरा कर दूं, तुम्हारे स्थान पर तुम्हारे पास एक योग विद्वान को भेज रहा हूं, अपना कार्य इनको सौंप करके तुम मेरे पास आ जाओ। नीचे हस्ताक्षर किया, विद्वान को कहा कि जाओ विक्रम के पास। विक्रम ने जब पत्र पढ़ा तो पढ़ता गया और उसको अंदर से बहुत खुशी होती चली गई, और जब अंतिम वाक पढ़ा कि विद्वान जिनकी परीक्षा गुरुजी कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, इनको सौंप कर आ जाओ, उसने सोचा इससे बढ़िया और योग नहीं हो सकता जिसकी नियुक्ति परीक्षा पूर्वक गुरुजी करें। तो उसको गद्दी पर बैठाया, चक्रवर्ती राजा बनाया और बहुत धन्यवाद करके प्रस्थान करने लगा। अब वो विद्वान कभी अपने आप को देखे, कभी महाराज विक्रम को देखे, बहुत खुश दोनों, वो विद्वान भी खुश राजा बन गया, विक्रम भी खुश। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि जिस राज को पाकर के मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, उसको ये छोड़ करके खुश है। फिर सोचा मैं ज्यादा हूं या ये ज्यादा है? तो देखा तो विक्रम ज्यादा प्रसन्न थे। तो उसने सोचा कि कुछ बात रहस्य वाली है, जो इनको ज्यादा मिलने की संभावना है, जिसकी कल्पना करके ये हमसे ज्यादा खुश है। तो उसने कहा विक्रम महाराज आप थोड़ी देर और ठहरिए, एक प्रश्न है, मैं गुरुजी से उसका उत्तर लेकर आता हूं फिर शासन करूंगा। वो गुरुजी के पास पहुंचे, कहने लगे कि राज्य मिल गया, गद्दी पर मैं बैठ गया, राजा बन गया, बहुत खुश हुआ, लेकिन विक्रम उस राज्य को छोड़ करके आपके पास आकर के उसको क्या मिलता जो हमसे बहुत ज्यादा खुश था, वो मैं जानने के लिए आया हूं। तो गुरुजी ने समझाया कि तुम ठीक समझ रहे हो,
तुम्हें साम्राज्य मिल गया तो तुम सम्राट बन गए। सम्राट बनने से जो सुख मिला बहुत है। विक्रम मेरे पास आते, योग की विद्या सीखते तो उनको कौन मिलता? वो परिव्राट बनते। तुम सम्राज बन गए, राजा बन गए, वो यहां परिव्राट बनते। और राज्य कौन सा मिलता? विराट राज। और जो विराट राज, जो ईश्वर की प्राप्ति का जो सुख है, वो लौकिक सुख से बहुत ज्यादा है। तो वो उस ईश्वर की प्राप्ति से जो सुख होता है उसकी कल्पना करके वो तुमसे बहुत ज्यादा खुश थे। विद्वान ने हाथ जोड़ा, कहने लगा, गुरुजी अब मुझे धन नहीं चाहिए, न राज्य चाहिए, मुझे भी विराट राज चाहिए, परिव्राट बनना है। महानुभावो, ये महाराज विक्रम के राज्यकाल का संस्मरण है। ऐसे राजा होते थे जिनको मोह नहीं होता था, योगाभ्यासी होते थे, और योग से जो उपलब्धि होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ईश्वर को जानने से इतने योग्य होते थे, तो उनको पद की लोलुपता नहीं होती। आज और तब कितना अंतर है। आज के राजा कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। राजा बनने के लिए सभी हथकंडे अपनाते हैं और वहां एक क्षण में छोड़ने के लिए तैयार है। तो हम ईश्वर को जाने। देखिए, संसार में इस समय 8 अरब से ज्यादा लोग हैं। इनको यदि हम विभाजित करेंगे तो 3 भागों में बट जाएंगे। बहुतायत लोग नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते। उससे कम वो है जो आस्तिक है, ईश्वर को मानते हैं। बहुत कम, लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति है जो तीसरी कोटि में आता है, जो ईश्वर को जानता है। एक होता है मानना, एक होता है जानना। दोनों में महान अंतर है। माना ईश्वर है, सृष्टि करता है, प्रलय करता है, सब जीवों को कर्मानुसार फल देता है, चेतन स्वरूप है, अविनाशी है, ये सब केवल ये मानना है। लेकिन जानना इससे पृथक है। जानने से क्या होगा? असल में उसको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और इसको वेद मंत्र में कहा है, तमेव विद्वान न विभाय मृत्यु हो। ईश्वर को जो जानता है उसको मृत्यु का भय नहीं होता। तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति। एक ही उपाय है, तम एव, ईश्वर को ही जान करके, जानने वाला, विदित्वा अति मृत्यु मेति, मृत्यु को पार करके मोक्ष को प्राप्त होता। नान्य पंथा, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हमें जानना चाहिए। अब जानने में और मानने में अंतर समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में लिखा कि सब स्त्री पुरुष एकांत जंगल में शांत वातावरण में जाकर के योगाभ्यास की रीति से संयमित होकर उपासना करें। एक ऋषि भक्त दंपति, स्त्री पुरुष, घर से एकांत जंगल में उपासना करने के लिए जाया करते थे। जंगल में जाते थे तो अपने हिसाब से कुछ न कुछ ले जाते थे कि हिंस्र जंतुओं से रक्षा कर सके, आत्मरक्षा के लिए।
तो वो तलवार ले जाते थे, क्षत्रिय थे, एक तरफ तलवार को रख देते थे और देवी जी उधर बैठ जाती थी, देवता इधर बैठ जाते थे, ईश्वर का ध्यान करते थे और निमग्न हो जाते थे। घंटों उपासना करने के बाद में फिर घर वापस आते। एक दिन देवी जी की बीच में आंख खुली और सामने उसने भयंकर दृश्य को देखा, आंधी, भयंकर तूफान, ऊपर तक धूल चढ़े हुए। वो डर गई, सोची कि आंधी यहां तक पहुंचे, कोई नुकसान हो, इसके पहले हमें चलना चाहिए। तो उसने आवाज लगाई, सुनते हो, सुनाई नहीं, जोर से बोली, कोई प्रतिक्रिया प्रत्युत्तर नहीं, तो निकट चली गई। उनको हिला कर कही कि देखो सामने बहुत बड़ा बवंडर, आंधी तूफान है, कुछ भी हो सकता है, चलो। वो मग्न रहा, सोचा कि शायद क्या बात है, या तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो उसने झकझोरा और जब तक आंखें नहीं खोले तब तक झकझोरती रही। जब आंख खुली तो उसने देखो, तुम समझ रहे कि मैं झूठ बोल रही हूं, सामने खुद देख। तो उसने देखा बहुत भयंकर बवंडर। बवंडर देखने के बाद में उसने कुछ नहीं बोला, जो तलवार ले गया था उस तलवार को उठाया और देवी जी के गर्दन पर रख दिया। अब वो हंसने हंस रही, करे तुम हंस रही हो, गर्दन पर तलवार रख दिया हूं, यदि चल जाए तो क्या होगा मालूम है, धर से सर अलग हो जाएगा, देहांत हो जाएगा। देवी जी हंसते हुए कहते, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। पति ने कहा कि मैं रख सकता हूं तो मार भी सकता हूं, तो उसने कहा कि आप मुझको मार ही नहीं सकते, मैं जानती हूं आप हमारे पति हैं, रक्षक हैं। तो उसने कहा कि तुम कितने समय से जानती हो, तो जितने साल विवाह के हो गए थे, उसने कहा कि तब से जानती हूं, तो तुम्हारा पक्का ज्ञान है मैं नहीं मारूंगा। करे बिल्कुल नहीं मारेंगे। तो उसने कहा कि जैसे 10 साल का या 5 साल का तुम्हारा अपना अनुभव है, ज्ञान है, तुम मुझको जानती हो कि तुम, मैं तुम्हारा पति हूं, तुझको मार नहीं सकता, ये तुम्हारा पक्का ज्ञान है। तो इसी प्रकार से हम सबका मालिक, हम सबको पैदा करने वाला रक्षक, अधिपति, ईशुओं से युक्त, उसको मैं जानता हूं, वो हमें भी नहीं मारेगा। और एक बात और है, बवंडर यहां या घर भी पहुंच सकता है, भूकंप आते हैं, आंधी में भवन धाराशाही हो जाते, वहां भी सुरक्षित नहीं है। तो बैठो, उपासना पूरी करेंगे और हम, तुम प्रयास करो, जानो, पहचानो, और मैं जानता हूं। तो ये शर्त है, जानना मानने से अलग है। एक कोई गाड़ी है 6761 वो गेट पर है, थोड़ी कठिनाई हो रही है, जा रहे हैं, धन्यवाद। तो जानना ये कम लोग जानते हैं और हमें उसको विज्ञान पूर्वक, प्रत्यक्ष पूर्वक जानना है। और यही 4 चीज है, चेतन स्वरूप से ज्ञान होगा, अविनाशी, शुद्ध, धार्मिक आदि गुणों से अपना भी ज्ञान होगा, ईश्वर का भी ज्ञान होगा, ईश्वर के कर्मों का ध्यान करके कर्मी ईश्वर का ज्ञान होगा, गुणों का ध्यान करके उसके ज्ञान से गुणी ईश्वर का ज्ञान होता है। और इसी बात को महर्षि स्वामी दयानंद जी प्रत्यक्ष कहते हैं, गुणों के प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष, कर्मों के प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष।
स्वरूप स्वभावों के प्रत्यक्ष से ईश्वर का प्रत्यक्ष, ऐसे ही जीव का प्रत्यक्ष होता है। और जो प्रत्यक्ष बोध है उसी को विज्ञान कहते हैं, वही अथर्ववेद है। एक बात बीच में आई थी, उसको बताना चाहूंगा कि ईश्वर नित्य अनंत बल है, नित्य ज्ञान है, और वो केवल और केवल शुद्ध है, पवित्र है, उसके कर्म भी शुद्ध है। लेकिन जीव के लिए कहा कि इसके दोनों हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, धार्मिक दोनों हैं। लेकिन लोक में हमें देखने को मिलता है कि जीव तो कभी कभी धार्मिक होता है, कभी अधार्मिक होता है। जब उसका स्वभाव ही धार्मिक है तो अधार्मिक कैसे बना? तो परिवेश से बनता है। एक पिताजी कैसे अधार्मिक होता है, घर में बैठे हुए थे, कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटाया, आवाज लगाई, तो जानी पहचानी आवाज को सुन करके वो उसको कुछ देना था, उधार था, और था नहीं तो टरकाते हुए बच्चे को कहा कि तुम जाओ उनको बोल दो पिताजी घर पर नहीं है और वहीं से भेज देना। और वो छोटा सा बच्चा था, ये नन्हे मुन्ने बच्चे ना, इसको बच्चा बोलते हैं क्योंकि बुराइयों से बचा हुआ है। तो वो दरवाजा खोला, नमस्ते किया और कहा कि पिताजी बोले हैं कि मैं आपको बता दूं कि पिताजी घर पर नहीं है, जाओ। तो करे कहाँ है? करे अंदर है। ले आया कि ये रहे। अब वो बच्चा ले आया, उसको कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला है, इसका क्या मतलब है, मालूम ही नहीं था। अब उसके पिताजी जैसे तैसे निपटे और जब वो चले गए तो दो चांटा लगाए। कहे तुझे कहा था कि उनको कह दो कि पिताजी घर पर है, तू बुला कर ले आया। अब उस बच्चे को झूठ बोलना कौन सिखा रहा? माता पिता। इसी प्रकार से गुरुजन। अब वो जो धार्मिक था उसको अधार्मिक बनाया जा रहा। ऐसे ही एक जगह पर एक मुसलमान प्राध्यापक थे, भूगोल पढ़ाया करते थे, क्लास में भूगोल के बारे में पढ़ा रहे थे, उनका एक बच्चा भी था पढ़ता था। तो पुस्तक में लिखा हुआ था कि भाई ये पृथ्वी कैसी है, गोल है। उसने पढ़ा, करें कि दो तीन बार दोहरा लो, लिख लो, याद करके आना, कल पूछा जाएगा। तो सबने लिख लिया, उनका लड़का था उसने भी लिखा पृथ्वी गोल है, और घर पर गया। सब बच्चे याद करते हैं। तो वो मुसलमान अध्यापक का बच्चा वो रट रहा था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। और उस समय अध्यापक जी कुरान पढ़ रहे थे, कुरान में पृथ्वी के बारे में लिखा था कि चपटी है। अब वो पढ़ रहे कुरान में पृथ्वी चपटी है, बच्चा जोर से बोल रहा है कि पृथ्वी गोल है, क्रोध आया, कुरान के विरुद्ध बोलता है, बच्चे को बुलाया, दो चांटा लगाया, करके बोल पृथ्वी चपटी है, कुरान में लिखा है। उसने कट किया, नीचे लिख दिया पृथ्वी चपटी है। अगले दिन स्कूल में वही अध्यापक, वही क्लास, उन्होंने पूछा पृथ्वी कैसी है, सब बच्चों ने कहा कि पृथ्वी गोल है। और उनका जो बच्चा था वो तो चांटा लगा था गोल कहने पर, दो, उसने खट बोला कि नहीं पृथ्वी चपटी है, बुला इधर आ, दो चांटा लगाए, कह देख यहां लिखा हुआ किताब में पृथ्वी गोल है। ये सांप्रदायिकता पर बता रहा हूं, ऐसे सांप्रदायिकता फैलते हैं। अब वही प्रश्न आ गया परीक्षा में कि पृथ्वी कैसी है, तो जितने बच्चे थे सबने लिखा क्या, पृथ्वी गोल है। अब उसके लिए समस्या की क्या लिखे, गोल कहूं तो चांटा गलत,
चपटी कहूं तो चाटा, लेकिन था वो आज के जमाने का, मानकर चलो बच्चा तेज तरार। उसने लिखा, स्कूल में पृथ्वी गोल और घर पर चपटी। तो ऐसी शिक्षा दी जाती है। आज जो इतने मत मतांतर फैले हैं ईश्वर के बारे में, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई सातवें आसमान में, कोई चौथे आसमान पर, कोई बैंकुंठ में, कोई समुद्र के ऊपर, कोई वहां, कभी यहां। और ईश्वर के स्वरूप को लेकर के, गुण को लेकर के, कर्म को लेकर के भयंकर विवाद है। हजारों मत मतांतर संप्रदाय वाले कुंभ के मेला में आते हैं। आप में से कई लोग गए हो, मैं तो कई बार गया हूं। उनका कई बार सांप्रदायिक स्नान संपन्न तब होता है जब एक दो की हत्या हो जाए, तब संपन्न होता है। ईश्वर की बड़ी कृपा है हम लोगों के ऊपर। हम आर्य समाज में आए, सांप्रदायिक भावनाओं से अलग वेद का ज्ञान मिला, अच्छे गुरु मिले, महर्षि स्वामी दयानंद जी, और जिन्होंने ईश्वर का सही स्वरूप बताने का प्रयास किया। और हम इसी प्रकार से क्रमशः ईश्वर के बढ़िया स्वरूप को जान जाएंगे तो तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति, मृत्यु का भय नहीं होगा। और तमेव विद्वान न विवाय मृत्यु, और मृत्यु से भी भय नहीं होता। और तमेव विदित्वा अति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते नाया, ईश्वर को ही जान करके मुक्ति की प्राप्ति होगी। हम सभी मुक्त होना चाहते हैं। एक होता है जानना सर्वश्रेष्ठ, लेकिन इससे भी एक चौथी स्थिति है, उसको बता करके विराम देता हूं। जो हमने पढ़ा, माना, जाना, और उसके बाद में अंतिम स्थिति है व्यवहार। महाभाष्य में कहा, श्रवण मनन दिदिध्यासन साक्षात्कार, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल। पहले प्राप्त कीजिए, जानिए, फिर उस पर मनन कीजिए, स्वाध्याय, जो हमें समझ में आया दूसरे को उपकारार्थ बताइए, प्रवचन और व्यवहार। जैसा पढ़ा है, जैसा जाना है, सुना है, तद्वत आचरण। और जब तक आचरण नहीं करेंगे सिद्धि नहीं होगी। आचरण पर एक बात बताकर विराम करता हूं। एक जगह पर एक महात्मा जी रहते थे, गांव गिरान के लोग उनके पास सेवा में उपस्थित होते थे, कोई प्रश्न होता तो पूछते थे। एक गांव से एक महाशय जी गुरुजी के पास जा रहे थे, जो महात्मा जी जंगल में रहते थे, उनको कुछ पूछना था। तब वो जाते थे कोई एक व्यक्ति तो गांव भर को कहते थे कि मैं जा रहा हूं, किसी को कोई बात पूछनी हो, पूछवानी हो तो बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि तुम जा ही रहे हो तो मेरे बारे में भी ये पूछ कर आना, वो पूछ कर आना। जिसने जिसने जो जो बातें कही वो लिख लिया। और वहीं पर एक तोता उनके घर के आगे टंगा हुआ था पिंजरे में। उसने भी कहा कि महाशय जी, आप गुरु जी के पास जा रहे हैं तो एक मेरे बारे में प्रश्न करके आना, पूछ करके आना कि मेरी मुक्ति कब होगी, कैसे होगी। तो उसका भी प्रश्न लिख लिया। अब वो महात्मा जी के पास गए, अपनी शंकाओं का समाधान किया, लिख लिया, गुरुजी ने बताया। और गांव के जिन लोगों ने जो जो प्रश्न पूछे थे उनके बारे में पूछा, गुरुजी ने जो उत्तर दिया उसको लिख लिया। सबसे अंतिम प्रश्न था वो तोते का कि मेरी मुक्ति कब होगी और कैसे होगी। अब ये पूछा ही था कि तोते के प्रश्न का उत्तर दे नहीं पाए और वो लुढ़क गए। अब वो परेशान,
कि तोता का प्रश्न कितना कठिन था कि ये महात्मा जी उत्तर भी दे नहीं पाए और मर गए, तो रिक्त कर दिया, उत्तर तो मिला नहीं, खाली पहुंचे। तो गांव वाले इकट्ठे हो गए, कहने लगे मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, मेरे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, जिसके जिसके प्रश्न के जो जो उत्तर थे सब बता दिया। तो तोता ने पूछा मेरे प्रश्न का क्या उत्तर था, कब मुक्ति होगी, कैसे होगी? तो उसने कहा कि निर्भाग तेरा प्रश्न बहुत खराब था, प्रश्न का उत्तर भी नहीं मिला और सुन तो लिए थे प्रश्न, उत्तर देते समय वो लुढ़क के मर गए, अब वो नहीं जीवित रहे, अब हम कैसे बताएं तुम्हारी मुक्ति कब होगी कैसे होगी, अब तो हम सभी जा रहे हैं उनका अंत्येष्टि संस्कार करने के लिए। जैसे ही ये बात पूरी हुई तोता लुढ़क गया, उसके भी पैर ऊपर हो गए, चोंचे फैट गई, मतलब मर गया। लोगों ने कहा कि देखो इसका प्रश्न कितना खतरनाक था, प्रश्न सुन करके गुरुजी का देहांत हो गया, उत्तर नहीं मिला तो सदमा से इसका देहांत हो गया। तो भाई गुरुजी के संस्कार करने से पहले इसी का काम कर देते हैं, पिंजरा खोला, तोता को निकाला और क्या करेंगे, फेंकेंगे उसको। तो उसको जहां कचरा पड़ा हुआ था वहां जाकर के उसको फेंका, तो वो फुर करके उड़ गया। उड़ करके वो महाशय जी के पास आया कि महाशय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कर तू तो मर गया था, कर नहीं मरा नहीं था, बिल्कुल नहीं मरा था, करे फिर करे कि मैं उपदेश का अनुष्ठान कर रहा था, गुरु जी भी नहीं मरे हैं, उन्होंने हमारे प्रश्न का प्रैक्टिकल उत्तर दिया था कि ऐसा करोगे तब तुम्हारी पिंजरे से छुट्टी हो, देखो किया वैसा ही जैसे गुरुजी ने किया था, और देखो पिंजरे से छुट्टी हमारी इस प्रकार से हो गई, अभी हो गई, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो लोग वहां गए, देखा गुरुजी वास्तव में मरे हुए नहीं थे। इसको कहते व्यवहार, अपने अंदर उसको धारण करना, इसी को वेद मंत्र में कहा है मंत्र श्रुतम चरामसी, मंत्र में जो उपदेश है उसको आचरण करे, व्यवहार काल में उतारे, तब लाभ होगा। महानुभावों विषय थोड़ा सा ज्यादा कठिन था, बल्कि इससे कठिन और विषय नहीं हो सकता। ईश्वर जो जीव है उसके गुणों को जानना, कर्मों को जानना, स्वभाव को जानना, स्वरूप को जानना, जानना मानना, फिर उसको जीवन में उतारना, विज्ञान को प्राप्त करना, तभी हमारा कल्याण होगा। जो नहीं मानते वो बहुत कृतघ्न है, संसार का उपयोग करते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, धन्यवाद नहीं करते, आभार नहीं करते, महाकृतघ्न है। हम ईश्वर के आभारी बने, कृतज्ञ बने, धन्यवाद करें, और उनका जो उपदेश वेद है उसमें जो जो उपदेश है उसके अनुसार हम आचरण करें, तब जाकर के सिद्धि होगी। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।